सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल इंडियन लिविंग एंड रेसिपीज, एंड सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास ये बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, एंड मैं आपका अभी 2 बज रहा है और मैं आज एक आपको इजी लंच रेसिपी बता रही हूँ। लंच मतलब आप इसको स्नैक्स में ले सकते हो। आज मेरा फ्राइडे है तो बिना प्याज लहसुन का मैं बनाऊँगी। इससे पहले भी मैं पास्ता का रेसिपी शेयर किया था, पर ये बिना प्याज लहसुन का मैंने रेसिपी इसका शेयर नहीं किया था। और सॉरी, आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप जल्दी में हो कितना इजी में बहुत जल्दी सा अच्छा सा नाश्ता बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो बिना प्याज लहसुन का हम बनाएंगे, मतलब इसको थोड़ा चटपटा तो करना होगा। तो मैं यहाँ पे ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खाने में बहुत सारे वेजिटेबल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है, मैं बीन्स को चॉप करके रख दी हूँ। ये है कैबेज, आपका पत्ता गोभी है, उसको भी चॉप तो नहीं की हूँ, फिर मतलब ऐसा शेप में मैं बनाई हूँ। आपको जैसा मन हो, जैसा पसंद हो, आप वैसे ही कर सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटा कटोरी ये ली हूँ बॉइल्ड पास्ता। ये है पुदीना, फ्रेश पुदीना की चटनी, फ्रेश पुदीना, उसके साथ थोड़ा सा जिंजर मिलाया हुआ है और एक मिर्ची इतने में मिलाया हुआ है, एक बंच पुदीना में। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो एयरटाइट डब्बे में। इसके साथ नींबू मिला के नींबू पानी भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये जो ब्लैक सॉल्ट होता है इसके साथ ऐड करके और नींबू मिला के एक स्पून इसमें से ऐड करके आप पानी बना के पियो तो बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत अच्छा रहता है, फाइबर बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे मैंने 3 कैरेट लिया है, एक ये बड़ा बड़ा है क्योंकि मैं ज़्यादा सा वेजिटेबल्स ऐड करना चाहती हूँ। और 3 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं और 1 इंच के लगभग एक अदरक लिए हैं। तो अभी चलते हैं, बनाते हैं पास्ता। तो हम यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई लगा दिए हैं। जब तक ये कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक ये अदरक को हम कूट लेते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं मसाले के लिए। तो ये हमारा बन के रेडी है। अब हमें ये जो डेलीशियस का जो फैट स्प्रेड है, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये है डेलीशियस का फैट स्प्रेड, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो इसको मुझे डाल दिए हैं और अभी मैं थोड़ा सा पंचफूरन ऐड करूँगी। तो ये मैं इतना पंचफूरन लिए हूँ, ये मैं घर में बनाई थी। अगर इसका रेसिपी आपको चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका रेसिपी अपडेट कर दूँगी। इसको मैं यहाँ पे फ्रेश स्प्रेड में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको फटने देती हूँ और हम ये अदरक को यहाँ पर मिला देते हैं। अब हम यहाँ पे अदरक को मिला दिए हैं और अभी हम ये जो बीन्स है इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। बीन्स पकने में, जैसे कि मैंने बोला था पहले, बीन्स पकने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम बीन्स को पहले फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कैरेट को ग्रेट कर लेंगे। बीन्स में थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी ऐड कर देते हैं। बीन्स में हमको टेस्ट के हिसाब से हमको डालना है, क्योंकि पहले हम पास्ता बॉईल करते वक्त उसमें नमक ऐड किए थे, तो अभी हम इसमें हल्दी के पाउडर भी डालेंगे। हल्दी के पाउडर इस पर रिक्वायर्ड आप डाल सकते हो, आपको मतलब सही के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हो। ये है धनिया का पाउडर, तो मैं इसीलिए अभी डाल दिया क्योंकि ये मसाला थोड़ा अच्छा से पक जाए तो अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए इसको ढक देंगे। इसको बिल्कुल लो में रख के हमको पकाना है, क्योंकि बीन्स पकने में टाइम लगता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तब तक हम कैरेट का ग्रेट कर लेते हैं। ये कैरेट को मैंने अच्छा से धो के रखा था। और ये जो ग्रेटर है, इसका जो बड़ा वाला ये है, इसमें हम ग्रेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा। और कैरेट हमको ज़्यादा पकने का ज़रूरत नहीं होता है, तो हम यही इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो
ऐसे ही हमको। सो फ्रेंड्स ये हमारा कैरेट एकदम रेडी है। सो फ्रेंड्स ये जो है हमारा कैरेट एकदम रेडी है। अब हम ये जो टमाटो है इसको चॉप कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बीन्स को भी चेक कर लेते हैं बीच बीच में, क्योंकि ये नहीं तो जल जाएगा। हुआ नहीं है और थोड़ा सा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें इसको होने में। तब तक हम टमाटो को चॉप कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो बीन्स है ना, ये अभी बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम दूसरा जो सब्जी है इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और ये फ्राई करते वक्त मैंने इधर डाल देती हूँ ये जो टमाटर मैंने काट के रखी हूँ इसको, पुदीने पत्ते का जो चटनी करके मैंने रखा था उसको भी उधर डाल दिया है। और ये हल्दी और थोड़ा सा डालना है ज़रूरत है। और ये सॉल्ट भी, क्योंकि मैंने टमाटर यहाँ पे ऐड कर दिया है, टमाटर का खट्टापन हटाएगा सॉल्ट, तो मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये होममेड है। बस इतना ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। थोड़ा सा पकाना है इसको, क्योंकि बस हमारा बीन्स फ्राई हुआ है, पर कैबेज थोड़ा सा फ्राई होगा, टमाटर का कच्चापन हटाने के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। तो ये सारा वेजिटेबल्स ऐड करके मैं इसको 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से पक जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी 5 मिनट हो चुका है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं क्या है इसका कंडीशन। मेरा वेजिटेबल्स अच्छे से गल चुका है और अभी हम पास्ता को ऐड कर देते हैं। फ्रीज में था ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे हो गया था, तो उसको हाथ में मैं खोल दी। करा देखिए ये पास्ता का उतना पता नहीं चल रहा है जितना वेजीज का पता चल रहा है। और ये खाने में भी इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। बिना प्याज लहसुन का भी बहुत अच्छा सा बन सकता है। आप इसको एक बार ट्राई करके फिर मुझे बताइएगा। फिर मैं इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। इसमें मैंने जीरा भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हींग डाला है, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का कुछ भी बना रहे हैं ना हम, तो उसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हमारा ये बन के रेडी हो गया है। मुझे लग रहा है ये मेरा 2 टाइम का हो जाएगा, जैसे कि लंच और डिनर दोनों टाइम का हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, दोनों टाइम में खा लेंगे। ये तो मेरा बन के रेडी हो गया है। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और ये कैसा लग रहा है ये मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपके साथ मिलूंगी फिर कोई नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।